एक एक श्लोक हमें भगवान से जोड़ने का, भगवान से मिलाने का काम करता है। इसमें एक 9 नंबर का श्लोक है, तब कथामृतम। गोपियां कहती हैं, पूरा तो गोपी गीत नहीं सुना पाऊंगा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भरीडतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भुवि गृणंत ते भूरदा जन। गोपियां कहती हैं, ब्रह से सताए हुए लोगों के अमृतमय है, ब्रह से सताए हुए लोगों के लिए कथा जिंदगी है। आप मानना या ना मानना, दिक्कत और परेशानियों में आकर बहुत लोग आत्महत्या करने को तैयार थे, उनमें माताओं की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन गोपियों की भाषा में गोपियों ने जो कहा है, जो मरने की तैयारी कर रहे थे कृष्ण की कथा सुन करके, उन्होंने अपने आप का परिवर्तन कर लिया, उनकी जिंदगी बदल गई। ये कथा ऐसी है जो आत्महत्या नहीं होने देती, ये कथा ऐसी है जो समय से पहले मरने नहीं देती। और गोपियों ने ये बात बड़ी अद्भुत कही है, वो कहती हैं कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई दानी नहीं है जिसके माध्यम से इस मृत्यु लोक में लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त। और सच यही है कि आपने अपने जीवन में जो भी धन कमाया है, पैसा कमाया है, दो बातों पर यह सार्थक हो जाता है। एक तो आपका पैसा बेटियों के विवाह में खर्च हुआ हो, और एक आपने इस पैसे से कथा वार्ता आयोजन सेवा कार्य इनके ऊपर खर्च किया हो। क्योंकि धन की 3 गति है। पहला है धन की, पहली गति है भोग, परिवार की व्यवस्था कीजिए। दूसरा है उसमें से जो बचता है वो दान। परिवार में खर्चा पूर्ति कीजिए, उसकी अपव्यय मत होने दीजिए, फालतू खर्चा मत होने दीजिए, धन बचाओ पानी बचाओ, उसको जितनी जरूरत है उतना भाग है कि उसका दान कीजिए। और उसका दूसरा भाग है कि उसका दान कीजिए। और फिर कहा गया है कि अब आप खर्च भी नहीं कर पाए और आप दान भी नहीं कर पाए, तो फिर तो वो तीसरी उसकी गति है जिसको कहते हैं नाश, खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं रहने देंगे, या तो सब खत्म कर देंगे। खर्च कर लिया है परिवार को, आपने एक ताकत एक मजबूत खर्च कर लिया है परिवार को, आपने एक ताकत एक मजबूती दी है, बच्चों का लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई की, यह भी धर्म है। बच्चों को उनके पाम के ऊपर आप खड़ा कर देते हैं, ये बिल्कुल धर्म है भी। इसको हमारे ग्रंथों में धर्म माना गया, पुरुषार्थ माना गया, 3रे नंबर का पुरुषार्थ है जिसे काम कहते हैं। तो आपके पास जो पैसा है, परिवार की व्यवस्था संभालिए, उसमें से कुछ बचाइए, उसका दान पुण्य कीजिए। इन दोनों में से एक भी नहीं कर पाए तो फिर तीसरा रूप है कि उसका नाश ही होना है, पर वो बचेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। बड़ी सुंदर सी बात कही है हमारे ग्रंथों में, जो भी आप दान पुण्य कर रहे हैं ऐसे जमा कर रहे हैं जैसे बैंक में आप अपना खाते में जमा करते हैं। ये सोचिए ही मत कि हमने किसी को दे दिया है, मैं तो यही सोच रहा हूँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब ईश्वर के यहाँ सब जमा हो रहा है, और इसके एक एक पाई कई गुना होकर आपको ही मिलने वाली। यहाँ बहुत बहनें बैठी हैं, मैं कहूँगा साड़ी के ऊपर और अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर लीपा पोती श्रृंगार। मुझे आज कोई बता रहा था कि एक ऐसा साबुन आ रहा है जो 3000 रुपये का आता है, और उसको शरीर से लगा लो तो शरीर में फुंसियाँ नहीं होती। बता रहे थे कि शरीर में वो सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं होता, क्या होता है मालूम नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। ऐसा साबुन आता है, ऐसा तेल आता है कि जिसको सिर में लगा लो तो बाल चिपकते नहीं है, बिल्कुल हवा की तरह से एक एक बाल उड़ता है, पता नहीं वो कितने का आता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जो ये सब व्यर्थ में पैसा खर्च होता है, ये आपको पता नहीं है, कभी अपने पति के पास बैठिए, ठीक से बैठिए, बिना क्रोध किए हुए, उसको दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक पूरी परिचर्या पूछिए,
वो आदमी आपको बताएगा कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है।